ਉੱਤਰ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰੱਖੋ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ जो रात को अक्सर चीज़ बच जाती है ना, ज़्यादा होती है, वो दिन के टाइम हम यूज़ लाजमी करते हैं, उसको ज़ाया नहीं करते। खाने की इज्जत करोगे तो खाना ऑटोमेटिकली मिलेगा, अल्लाह ताला देगा। इधर तो पता चल गया लोगों को चिकन लवर हैं। काफ़ी काम मैंने कर चुका हूँ इस टाइम तक ना। अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं और 12 बजे तक मैं रिश्तेदार थे, वो उनकी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई इनको ड्रॉप कर आना हॉस्पिटल में, तो वो छोड़ कर आया, वो दिखाना मुनासिब नहीं था, इस वजह से करके आप लोगों को बता दिया। कि जो मिस्त्री बाहर आए हुए ना, उनके पास तो अभी लेके जाना आप लोगों को, पर एक दोस्त आ रहे हैं जी भाई, इनसे फर्स्ट इंटरव्यू हो रहा है मेरा, और ये हमारे शहबाज भाई, इनसे ऑलरेडी पहले भी हो चुका है। तो भाई ये व्लॉगिंग के रिलेटेड आए हैं, मुझे खुशी भी होती है पर फिर मुझे छोटा छोटा भी अपना फील होता है कि मैं अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा। सब्सक्राइबर ज़्यादा होते तो फिर मैं भी समझने लग पड़ता, नहीं नहीं मैं बहुत बड़ा व्लॉगर हूँ, तो जितना मेरे पास नॉलेज है मैं तो बांट सकता हूँ भाई साहब, अच्छा लगता है। ऑलरेडी बताया हुआ जो 1 मिनट की चीज़ है ना, उसको मैं 5 मिनट लेता हूँ समझाने में, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि भाई समझने के लिए आए थे और भाई ने समझाया नहीं सही तरीके से। ऐड कर लो भाई को, इन्होंने व्लॉग ही स्टार्ट कर दिया। आज का सारा दिन तो भाई सेटिंग में ही गुजर गया, बाकी मेहमान चले गए हैं और भाई मजदूर क्या कर रहे हैं वो चल के देखना अभी मुझे। उससे पहले अपने जो कल वाले कपड़े थे ना, वो वाले पहन ले जी, ये पड़े हुए हैं। तो ये भाई साहब मेरा डिजाइन देख रहे हो, आगे मेरे फॉलोअर्स देखो। ओह माय गॉड, कितने पारे पारे लग रहे हो यार, कितना पारा ये तुम्हें लग रही है। एक और भी है इधर आना, बोला भी इधर आ, तू आई नहीं है यार। शाज़ेव ने बस नहीं चेंज किया, मैं तो जा रहा हूँ बाहर ना देखने के लिए कि काम कहाँ तक कंप्लीट, क्योंकि सुबह का मैं नहीं गया यार। शाज़ेव अंदर चला जा, शाज़ेव दूसरे चले गए, तू भी चला जा अंदर। नहीं नहीं बाहर नहीं ना आ सकते तुम लोग, नहीं आ सकते, बस नहीं आएगा ये लड़का। जहाँ से फर्नीचर लेकर आए थे ना चनेट, उस जगह से रात को रेत आई थी ये वाली, तो सही रही है रेत ना। चनेट में तो आजकल ना फ्लड भी आया हुआ काफ़ी ज़्यादा, बैठे हैं जी, काम तो हो गया। ये ईंटें निकालनी है, सुबह से लगे हुए थे ईंट निकाल रहे थे और यहाँ से निकली है जी, को फिल कर दी है, वरना इसमें काफ़ी ज़्यादा जो ईंट थी ना वो निकली है, ये सारी ये पड़ी हुई है ये वाली, ये भी ईंट है जहाँ पर खड़ा हुआ मैं, नहीं ये इधर भी है, ये वाली भी अभी तक निकालनी, ईंट सारी निकलेगी ये वाली। कल यहाँ पे सीमेंट पड़ा हुआ था, आज सीमेंट वहाँ पे रखा है, ये सीमेंट रख दिया था नीचे इसके, ताकि बारिश वगैरह का मौसम होता है तो बारिश वगैरह आए तो इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको भी मैं यूटिलाइज करूँगा, टेंशन नहीं है, सभी चीज़ों का हो जाएगा इस्तेमाल सही। साथ साथ ना आए वो फाउंडेशन बांधनी है यहाँ पे नीचे, नी रखेंगे ना यहाँ पे, साइड पे करने पड़ेंगे मट्टी जो है, मट्टी नहीं करनी साइड पे। हाँ तो इसको हटा दो, इधर थोड़ा सा कर दो, ये ईंट हटा के यहाँ पे फेंक दो, जिस तरह ये दूसरी पड़ी हुई है यहाँ पे बैठ जाते हैं भाई साहब थोड़ी देर, वैसे भी अच्छा लग रहा है ये अभी ना, फ्रेश फ्रेश मौसम है आज, हवा भी चल रही है, धूप से भी बच जाएंगे। ये दरख्त है पर ये दरख्त रहेगा नहीं, इंटेंशन मेरी थी कि बच जाए पर अब नहीं बचेगा भाई। इस दरख्त का मुझे अब काफ़ी दुख हो रहा है, बेर है ये, और इसका भी होगा भाई, देखो गर्मी है ना, तो गर्मी में इनकी छाँव के नीचे बैठे ना, टेंशन कोई नहीं है, ये दरख्त ज़रूरी होते हैं। ये माली भी है ये वाला भाई ना, माली भी अभी करता है, प्लाट बनेगा भाई साहब। ऐसा कहते हैं ये फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, फाउंडेशन मजबूत होगी तो ऊपर इमारत सारी ज़िंदगी रहेगी। ये अब नींव स्टार्ट हो गई है, ये क्लियर कर रहे हैं ना, बाकी जहाँ पे किया है ना यहाँ पे दरख्त था, और ये देखो जी कीड़े खाने के चक्करों में अपने जो है ना इनकी गर्दन उतर जाती है, वो जो बाइट किया था ना इन्होंने वो नहीं छोड़ते ये कीड़े। तो ये कहा था ना घर है, बाज नहीं ना आता फिर, क्या नहीं गेट नहीं खोल रहा। ओए नवाज ये गेट ओपन करवाने से घर जाना, ये इतनी बना दी है उन्होंने, कह रहे यहाँ पे नीचे हार्ड है काफ़ी ज़्यादा ज़मीन ना, पता है मिस्त्री साहब को पता है इस चीज़ के लिए, मैं क्या बता सकता हूँ जी भाई। आ गया गेट, सामान आ गया है। हाँ तो क्या कटाई करने लगे हम जी। अच्छा सामान लेने के लिए बुलाया था, सामान क्या जाके चुक लिया हो जी। अच्छा अच्छा तो तंग ना करो, चलो जी अजान बनने लग पड़ी है, बाकी टाइम हो गया, खेलने का सामान आ गया, भाई यहाँ पे आके पानी जाया करते रहते हो डेरे में, घर मोटर खराब है, मोटर खराब है तो बनवा लो भाई, पैसे किस लिए कमाते हो, चलो हाँ चल रही आज भी है। तुम लोगों ने घर ही रहना तो तुम लोग पीछे पीछे किधर आ जाते हो, इधर आ सारे, चलो अंदर
अंदर चलो। नहीं क्या होता है यार, नहीं होता कि ना चले। कल तो बड़ा पारा लग रहा है आज वैसे। सारिफ को कपड़े पहनाया करो यार, शर्टें पहनाना करना सारिफ को, इसकी सारी पब्लिसिटी खत्म कर देते हैं। पब्लिसिटी खत्म कर देते सारिफ को कपड़े, सारिफ को कपड़े पारे ही बड़े लगते हैं। चल सारे अंदर जा रहा है, अमीन खुद ही क्लियर कर देगा काम सारा। सुबह स्कूल जाना, यूनिफॉर्म इस्त्री हो रहे हैं, इनकी शरारतें जो है ख़त्म नहीं हो रही। ओए हेमंत ने दिया था, किस किसने याद किया है? ये लड़ते नहीं हैं भाइयों के साथ, यही कुछ सीखते हो स्कूल में किया। रियाज भाई कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल सारा महंगा हो गया है। आप यकीन करो मैं जिस साइड में भी जाता हूँ ना गांव में, वहाँ पे ही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है हर गली में। और आज तक मैंने इतना गांव में ना कंस्ट्रक्शन का काम होते नहीं देखा। तो मुशर्रफ ने वैसे सही कहा था। और सर ठीक हो? भैया ठीक है, आ जाओ सर। मुशर्रफ ने वैसे सही कहा था कि हमारी आवाम इतनी अमीर है ना, चाहे जितनी मर्जी महंगाई कर दो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो हकीकत थी वैसे बात। बाकी मेला लगा हुआ जी, ये बच्चे नहीं है, ये बुजुर्ग हैं। आज का दिन बस खेलने खेलना है बच्चा। बाकी जो दिन गुजरा है ना इतना कुछ खास नहीं था भाई, लग रहा कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आज कल ना। पका हुआ है आज आलू अंडा। ओके करके दो, लोड खुद ही करना, मैं कहां से लोड करके दूं? चल ये जी भाइयों को तंग कर रहा है बार बार, वो दरवाजा बंद करते एसी चल रहा है और ये जबकि जाके ओपन कर देता है और उनको तंग कर रहा है बाबा। फायर फायर फायर। नॉर्मली क्या होता है कि मेरे जो जानने वाले होते हैं ना पर्सनली, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई बंदा मेरे व्लॉग इस तरह देखता है फैमिली के अलावा। पर आज एक दोस्त की कमेंट आई है बड़े अरसे के बाद, तो बड़ा मेरा करीबी था, मेरा क्लीग था, मतलब साथ पढ़ते रहते हम लोग, बेस्ट फ्रेंड था मेरा। ये देख रहे हो ये छोटा सा, इधर भी छोटा सा, ये दानिशदार। तो ऐसा ये इसने कमेंट की है, खुशी हो रही है मुझे, मैंने ये शेयर करना चाहता था। बाकी इस टाइम ना व्लॉग एडिट करने बैठा हूँ आज रात को, बच्चों का सुबह स्कूल है ना तो उनको छोड़ने के लिए जाना, मुझे नींद आ जाएगी जल्दी, आज मैं जल्दी सो जाऊँगा। एक ना अपडेट भी मुझे देनी है, अब वो किसी और दिन करेंगे अपडेट ना, एक दफ़ा क्यूरियोसिटी बनी रहने देनी चाहिए।